खबरों में बात करते हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां इंडियन नेशनल लोक दल के नेता एवं राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को गुरु रविदास की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में धरने पर बैठे समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 12 में पूरे प्रदेश भर के गेस्ट टीचर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उनके बीच भी पहुंचे और अपनी पार्टी की तरफ से भरपूर समर्थन दिया और सहयोग देने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद गेस्ट टीचर को नियमित किया जाएगा और समान वेतन समान काम के आधार पर उनकी इस समस्या का हल निकाला जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जब से प्रदेश में देश में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी के लोगों ने इस देश को धर्म और जाति के नाम से बांटने के लिए लगातार षड्यंत्र रचे। ये नई बात नहीं है इनके लिए कि किसी मंदिर को तोड़ा, किसी गुरुद्वारे को तोड़ा या किसी मस्जिद को तोड़ने की योजना बनाई। ये वो लोग हैं जो केवल लोगों को लड़ाना जानते हैं। कभी गौ के नाम पे, कभी गीता के नाम पे, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे। हमारे यहाँ पे सरकार बनने के बाद गौओं को लेकर के सरकार अपने आप को कैसे गौओं को बचाया जा सके, कैसे गौओं की देखभाल की जा सके, इसके लिए एक्ट लेकर के आए, कानून लेकर के आए। हम सबने समर्थन किया, लेकिन जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने पूछा था कि जो लोग आज इस एक्ट को लेकर के आए, जो कानून बनाना चाहते, मैं एक बार उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या उन सबके घरों में भी गौ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात को लेकर के शर्मिंदा होना पड़ा कि हम केवल कानून बना रहे हैं, कैसे गौ की सेवा हो, कैसे गौ का रख रखाव हो, कैसे गौ को माँ का रूप दिया जाए, इसके लिए है उनके पास उनके घर में किसी के गौ नहीं। जिन्होंने कभी ना तो किसी मंदिर में जाकर के पूजा करी, ना ही इन्होंने कभी किसी गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेका। कैसे मंदिर के नाम पे लोग आपस में बटे, कैसे लोग लड़े, इसके लिए इन्होंने मंदिरों को मस्जिदों को तुड़ाने का काम किया। जहाँ गुरु रविदास जी के मंदिर को इन्होंने तोड़ा और आपको आश्वस्त किया कि हम इस मंदिर का निर्माण फिर से करा देंगे, निर्माण कराने की बजाय किस तरह से लोगों को धरने और प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जाए, इसके लिए इन्होंने केवल कोरे आश्वासन दिए। आश्वासन देकर के आप जैसे साथियों को जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर धरनों पे बैठने पे मजबूर कर दिया। अभी जो भाई माइक पे बोल रहे थे, जो बता रहे थे कि जब दलितों पे अत्याचार हो रहा था, जब उनके गढ़गोचली पे रोक लग रही थी, तो सरकार में बैठे लोग तो उनको संरक्षण दे रहे थे जो उनको रोक रहे थे, और हम लोग आपकी आवाज को विधानसभा में सरकार के सामने रख रहे हैं। हमें कैसे आपकी बात को हम विधानसभा में ना कह सके, इसके लिए बारी बारी से रोका जा रहा है, लेकिन बावजूद हमने आपके पक्ष को अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखा। केवल तब नहीं, जब बेकसूर लोगों पर गोलियां चला करके मारा गया, जब आपको जाति के धर्म के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से बांटा गया, हमने तो सब भी पार्टी की तरफ से खुल करके आपको समर्थन किया। व्यक्ति की अपनी कोई जाति नहीं होती, जाति और धर्म तो माँ के पेट से पैदा होने के बाद बनते हैं। कौन किसके पेट से पैदा हो, कौन किस जाति और धर्म में पैदा हो, लेकिन इंसान की अपनी जाति केवल एक है, इंसानियत। और इंसानियत के नाते हर व्यक्ति का फर्ज ये बनता है
कि कहीं एक दूसरे को लड़ाने की बजाय उसके भाईचारे को बढ़ाना चाहिए, तो क्योंकि उसका जाने का समय आ गया। मैं तो कहता हूँ परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो जाते जाते इसको रेगुलर करे, ताकि कम से कम लोगों के बीच में जाके खड़े होकर के एक दफ़ा तो ये कह सके कि मैंने अपना एक वायदा पूरा किया। अब तक इस सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया, हर वर्ग के लोगों को धरनों पे प्रदर्शन पे मजबूर किया। सैकड़ों लोगों को इस सरकार ने मौत के घाट उतारा और कर्मचारियों के साथ जहाँ इस तरह का व्यवहार किया, वहीं व्यापारी को कमजोर किया, किसान को लूटा। अब इस सरकार का जाने का वक्त है। हमने अपने जो अतिथि अध्यापक है इनको एक ही बात कही, इलेक्शन में आप कौन किसके साथ जाए इनकी आत्मा जाने। सर, आगे विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ? हमारा कार्यकर्ता कभी बैरकत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ने हमेशा लोगों के बीच में रह करके लोगों की दिक्कत करते हैं, उनके साथ खड़े होने की मदद। हम चुनाव के लिए सदैव तैयार थे, अब तैयार हैं। तारीख तय हो हम उम्मीदवार घोषित करें। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.